अध्यात्म विषयक आणि सामान्य माणसाला दुःखातून बाहेर काढणारे प्रशांत त्रिवेदी लिखित बीजगीता हे पुस्तक वाचकांच्या भेटीला येते. या पुस्तकात नेमकं काय दडलंय याचा आढावा घेतलाय आमच्या प्रतिनिधी तन्मयी भेंडळे यांनी. वाचाल तर वाचाल ही आपली संस्कृती आहे आणि आपल्याला हा संदेश मिळतो तो वाचन संस्कृतीतून. आणि वाचन संस्कृतीतून मिळालेला हा संदेश आपल्याला खूप काही शिकवून जातो. असंच एक वाचनीय पुस्तक आहे पीस गीता. त्याचे लेखक आहेत प्रशांत त्रिवेदी. त्यांच्याशी आज आपण बातचीत करणार आहोत. नमस्ते प्रशांत सर. नमस्ते. नमस्ते. मुझे आपसे ये पूछना है कि पीस गीता ये जो बुक है जो मनुष्य के जीवन चक्र पर आधारित है. हाँ. जिसका विश्लेषण आपने बुक में किया है. हाँ. इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? अब ऐसा है कि जब मानव जन्म है कि हम लोग ये हम लोक में हैं, एक इसको पृथ्वी लोक कहते हैं आप, एक लोक, तो इसमें हम ये कहाँ पे है, ये ब्रह्मांड में कहाँ पे है, हमारा यहाँ पे क्या पर्पस है, हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें अपने शरीर के साथ कैसे जीना है, और यहाँ पे जीने का जो मीनिंग है वो क्या है, मतलब हमारा जो मेन गोल है, पर्पस है, वो ह्यूमन बर्थ का और हम जो मानव जीवन का वो है क्या. तो वो मैंने इसमें लोगों को समझाने की कोशिश की है. मतलब और वो भी बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट से, जैसे कि छोटा बच्चा भी हो और जैसे 10 साल का बच्चा भी उसको समझ पाए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि लोगों को के उनको इतना ये सब पढ़ा होना चाहिए पहले, उसके बाद ये बात समझ में आएगी. मतलब बहुत सिंपल तरीके से ये बातें समझाने की मैंने कोशिश की. मुझे आपसे ये पूछना था कि मनुष्य की जो अधिकतर पाने की जो हव्यासा है, तो जो हवस है, तो वो ना भूलता जा रहा है सुख दुख का जो डिफरेंस है. हाँ. तो उसके बारे में आप इसके ऊपर क्या कहेंगे? पहले मैं इसके बारे में ये कहूँगा कि कुछ ज़्यादा पाने का जो आपका जो होता है, जो इंक्लिनेशन होता है और आपका जो अंदर में होता है, मेरे हिसाब से वो गलत बात नहीं है. ठीक है. अब किसी को भी जो उसकी सिचुएशन है, जैसे उसकी मतलब उसकी सिचुएशन जैसे उसमें उसको दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, तो उसको क्या लगता है कि मैं इसमें से निकलूँ और मेरा पेन ख़त्म हो, मेरा ये दर्द ख़त्म हो, तो ये कोई इसमें बुरी बात तो है नहीं. कि अगर कोई चाहता है कि उसका पेन ख़त्म होता है और दर्द ख़त्म हो, इसमें तो अच्छी बात है. तो बात ये कि अपने आप को अपने बेटर करना, अपना बड़ा बेटर करना सिचुएशन, वो एक बहुत नेचुरल चीज़ है हर जीव के अंदर. हर जीव के अंदर वो बहुत नेचुरल चीज़ है. उसके अगेंस्ट हमें नहीं जाना चाहिए. आजकल क्या है कि बात ना समझी की है, इग्नोरेंस की है, कि लोगों को मालूम नहीं है कि उनका बेटर किससे होगा. तो अभी जैसे ऐसा लगता है लोगों को कि जैसे हम पे पैसा ज़्यादा आ जाएगा तो हमारा बेटर हो जाएगा. ठीक है. ये आजकल के एक जनरल लोगों की मानसिकता है. हाँ, कि उनका जैसे उनके पास पैसा होगा तो ज़्यादा आ जाएगा. मगर आप देखिए, अगर यहाँ पे किसी पे पैसा ज़्यादा आता है तो वो पहले अगर गन्ने का जूस पी रहा था गाँव में, तो जैसे ही पैसा ज़्यादा आएगा तो उसके बाद वो पेप्सी और स्प्राइट पिएगा और ये सब ड्रिंक्स पिएगा. ठीक है. मतलब बात यह है, उससे फिर उसका वो अपना बुरा ही करेगा, उससे उसका भला नहीं होने वाला. तो बात यह है कि इसमें बात आपके जो इंटेलिजेंस है उसकी है, आपकी जो बुद्धि की है, इसमें बात उसकी नहीं है कि आप पे ये है कि नहीं है, वो नहीं है. ठीक है. बात ये सारी अपनी बुद्धि की है. तो पैसे से प्रॉब्लम्स बढ़ती जाती हैं, कम नहीं होती हैं. तो जब लोगों को ये समझ में आने लगेगा तो लोग ऑटोमेटिकली चेंज होने लगे. लोग क्या चाहते हैं? लोग चाहते हैं हैप्पीनेस. लोग चाहते हैं, लोग कोई अगर कोई भी कुछ करता है तो वो हैप्पीनेस के लिए करता है. ठीक है. तो उनको पता चल जाएगा कि हैप्पीनेस इसमें मिलेगी और हैप्पीनेस नेचर से जुड़ने में मिलेगी, हैप्पीनेस राइट चीज़ खाने से मिलेगी, राइट बिहेवियर से मिलेगी, राइट बॉडी पॉस्चर से मिलेगी, राइट हर तरीके से आपको कैसे अपना ह्यूमन बॉडी को रखना है और राइट उससे ही मिलेगी. तो फिर आप लोग अपने आप उसकी तरफ जाने लगेंगे, क्योंकि फाइनली लोग अगर कुछ भी करते हैं जो ये हवस है वो भी हैप्पीनेस के लिए ही है फाइनली. तो जो हैप्पीनेस है वो एवोल्यूशन से आती है. जब आप अपनी स्टेट से ऊपर उठ रहे हैं, कोई भी उठता जाएगा ऊपर, तो वो हमेशा खुशी रहेगा क्योंकि वो ऊपर उठ रहा है. तो उसको मालूम है कि मैं ऊपर उठ रहा हूँ, तो वो हमेशा प्रसन्न रहेगा, खुश रहेगा, क्योंकि उसको मालूम है वो ऊपर उठ रहा है. तो वो इम्पोर्टेंट बात है सबसे. अच्छा. मेरे हिसाब से आपके जो बुक है पीस गीता, हाँ, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसके बारे में मैं ये कहूँगा कि ये बहुत ही सिंपल बुक है, इसको कोई भी पढ़ सकता है. और अगर लोग इसको पढ़ेंगे एक बार, अगर उन तो उनका जो पूरा ये जो दुनिया को देखने का जो नज़रिया है, उनका जो मानसिकता है, वो पूरी चेंज हो जाएगी. अच्छा. खाली इस बुक को एक पढ़ने से, अगर उन्होंने ढंग से उसको पढ़ा तो उनका जो पूरा देखने का सब चीज़ का जो आँखें हैं उनकी,
वो बदल जाएंगी, और जो नई आंखें मिलेंगी उससे उनको उससे फायदा ही होने वाला है, कुछ नुकसान नहीं होगा। आपके जो इंस्पिरेशन है तो आपको कैसे लगा कि आप ये बुक लिख लें, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये जो बुक है ये लिखने वाली बात नहीं है। अच्छा। ये जो बातें हैं मैंने मुंह में से बोली हैं बहुत बार। अच्छा। तो जैसे आप लोगों से बातचीत कर रहे हैं, मैंने आपसे बातचीत कर रहा हूँ, मैं इनसे बात किसी से मैं बातचीत कर रहा हूँ, तो मैं मुंह में से कुछ बोल रहा हूँ, ठीक है, तो आपने कुछ क्वेश्चन पूछा, मैं आंसर कर रहा हूँ, तो उसमें जो जो पॉइंट निकलते हैं तो मैंने पहले बोले हैं, तो उसके बाद वो अपने आप ऑटोमेटिकली लिख दिए गए हैं, ठीक है। ये बुक के लिए नहीं बनाई गई, ये बोलने से बनाई, क्योंकि हमारा जो वैदिक था वो श्रुति और स्मृति था। अच्छा। सुनना और श्रुति और स्मृति, सुनना और बोलना। हमारे यहाँ तो बुक्स तो थी नहीं पहले, और जो वो इसलिए नहीं थी क्योंकि आपको जब सुनते हैं आपको जो फिर अपने उसको अप्लाई करते हैं अपनी लाइफ में, वो ही नॉलेज है, ठीक है। आप बुक में कुछ भी पढ़ते रहे और आपके कुछ नॉलेज उसके आपके लाइफ में एप्लीकेबल नहीं है, तो उसका वो इन्फॉर्मेशन है, वो कोई उसका कोई यूज़ नहीं है। तो हमारे यहाँ ऐसा सिस्टम था ही नहीं, लेकिन आजकल ये बुक का सिस्टम है और लोग पढ़ते हैं, और ये एक इन्फॉर्मेशन लोगों को देने का और नॉलेज देने का एक तरीका है, इसलिए मैंने इसको बुक फॉर्म में डाला है। ये बेसिकली मेरे जो मैंने बोला है 15 साल में लास्ट, उसका एक सारांश है बेसिकली। आपने जो इस बुक में वैदिक तत्व बोले हैं, तो इसका जो सार है वो सच पर आधारित है, तो इस तत्व के बारे में आप क्या कहेंगे? जो ये जो तत्व है ये हमारे जो प्रकृति है उसमें है, उसमें निहित है, हमारी जो प्रकृति है हमारे चारों तरफ उसमें वो सत्य निहित है। अगर आप प्रकृति से जुड़ेंगे तो वो सत्य आपकी तरफ आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो जैसे मैं कहता हूँ लोगों से कि अब आजकल लोग तो अपने जो पाँव हैं वो 10 मिनट तक ज़मीन पे भी नहीं डालते, सब लोग शूज़ वगैरह पहने हुए हैं, कोई मतलब ग्राउंडिंग नहीं होती। हमारी बॉडी है जो वो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, ठीक है, और हर एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का एक ग्राउंडिंग वायर होता है, लेकिन हमारी बॉडी का भी ग्राउंडिंग होना चाहिए, लेकिन आजकल तो कोई भी ग्राउंड छू ही नहीं रहे, तो इलेक्ट्रिकली सब शॉर्ट सर्किट में है, तो मेंटली शॉर्ट सर्किटेड हैं, हर तरीके से शॉर्ट सर्किटेड हैं, तो ये सब बेसिक जो जुड़ना होता है वो भी नहीं है। तो हमको वो बेसिक स्टेप्स में लेके चलना पड़ेगा, उसके बाद में जो रियल ट्रूथ क्या है सच इस पूरी क्रिएशन का और हम यहाँ पे रह रहे हैं, वो लोगों को उसके बाद में पता चलना शुरू होगा कि सच क्या है। मतलब आजकल तो पहले आपको बेबी स्टेप्स लेने पड़ेंगे उसकी तरफ, एकदम में आपको नहीं आ पाएगा। तो ये जो बुक है वो भी एक तरीके से एक बिग स्टेप है। और अगर आप उस बुक के साथ साथ में ये जो मैंने बुक लिखी है वो इसलिए लिखी है कि ताकि लोग इसको पढ़ें, मुंह से पढ़ें, दिमाग से नहीं पढ़ें। अच्छा। इसमें जो भी लिखा है आपको मुंह में से बोलना है और आपको मुंह के सेंटर में से बोलना है, तो आप प्रैक्टिस भी करनी है आपको मुंह में से सेंटर बोलने में। आपको सेंटर करने की जो वर्ड मेडिटेशन है इंग्लिश का, वो मेडिटेशन है, जो वर्ड मेडी आया है वो मेडी संस्कृत के मध्य से आया है, मध्य का लैटिन मेडी, फिर मेडी, तो जो मध्य का मतलब क्या होता है? सेंटर, ठीक है। तो उनका मतलब था आप जब सेंटर में रह रहे हो, अपनी बॉडी को सेंटर में रख रहे हो, आप सेंटर से बोल रहे हो, तो आप हमेशा मेडिटेशन कर रहे हो, ठीक है। अच्छा। तो ये हमारी वैदिक नॉलेज है, ठीक है, वो अब करप्ट हो गई। अच्छा। अभी ये किसी को मालूम नहीं है, तो 1000 मेडिटेशन स्कूल खुल चुके हैं 1000, लेकिन लोगों को ये बेसिक डेफिनेशन तक नहीं मालूम है। तो ये सब चीज़ें मैंने इस बुक में रिवील की हैं ताकि लोगों को ये सब बेसिक चीज़ें पता चलें। okay. और जितना भी ये सब जो चीज़ें फैली हुई हैं, जो लोग दुकान खोल खोल के बैठे हुए हैं मेडिटेशन के नाम पे, तो लोगों को समझ में आया कि ये क्या है और रियल चीज़ क्या है, मेडिटेशन मतलब, और जो बाकी जो शॉप्स हैं वो फेकरी, उनकी उनको पता चल जाएगी। अच्छा। मतलब अगर उनको रियल डेफिनेशन पता चल जाएगी हर चीज़। और मनुष्य का जो दुख होता है तो इसमें से उसको कैसे बाहर निकाले, ये बुक उसको कैसे मददगार साबित होगी, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा। तो इसमें ऐसा है कि जैसे जब दुख होता है आपको, कुछ भी जैसे पीड़ा होती है होते, तो आप उसका सोल्यूशन ढूंढते हैं, आप ढूंढते हैं कि जैसे आपको भी बीमारी है तो आप उसका सोल्यूशन ढूंढते हैं कि मैं कैसे ठीक होऊंगा फिर से, ठीक है। तो अब जो सोल्यूशन है वो सारे जो बीमारियों के वो प्रकृति में हैं ऑलरेडी, ठीक है, लेकिन लोगों को प्रकृति की तरफ जाना पड़ेगा उन सॉल्यूशंस के लिए। वैसे ही जो ह्यूमन प्रॉब्लम्स हैं, मेंटल प्रॉब्लम्स हैं और इमोशनल प्रॉब्लम्स हैं और तरह की प्रॉब्लम्स हैं, उसके जो साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं वो भी एक कोर लेवल पे मैंने इस बुक में लोगों को डाले हैं ताकि लोग उनको समझें, तो उसके बाद उनकी लाइफ उस चीज़ में जो सौरव था उनका, जो चीज़ सौरव उनको कोर से प्रोड्यूस कर रही थी वो ही निकल जाएगी। जब आपकी कोर से वो चीज़ ही निकल जाएगी तो उसके बाद आपको फिर वो सौरव रहेगा ही नहीं। अच्छा। तो मैं ये नहीं चाहता कि आप ऊपर ऊपर से जैसे उसमें मरहम पट्टी लगाए। अच्छा। आप किसी भी चीज़ को कोर रूट से आपको निकालना पड़ेगा, मतलब अंदर से निकालना पड़ेगा, फिर आपको फिर वो प्रॉब्लम फिर बाद में भी
कभी दोबारा नहीं होगी। और एक लास्ट क्वेश्चन, आध्यात्म मनुष्य को जो शांति मिलती है वो कौन देता है, मतलब ये बुक में से वो हो पाएगा? अब जैसे हमारे को ये समझना पड़ेगा कि जो वर्ड आध्यात्म है और जो वर्ड पदार्थ है, जो वर्ड आध्यात्म है और जो वर्ड पदार्थ है जिसको मटेरियलिज्म और स्पिरिचुअलिज्म कहा जाता है आजकल, वो दोनों एक ही चीज़ है, वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आपको अगर मटेरियल यहाँ पे रहने की सेंस आ जाएगी, जीने की सेंस आ जाएगी, तो आपको स्पिरिचुअल सेंस भी आ जाएगी। वो दोनों चीज़ें आपस में, जो सेंस है वर्ड वो जुड़ा हुआ है। तो आपके जैसे सेंसेज हैं, 5 सेंसेज हैं, आप उनको यूज़ करते हैं, उससे फिर आप डिसीजन लेते हैं सारे। तो अगर आपके वो सेंसेज इम्प्रूव हो जाएंगे और आपको उस सेंस आ जाएगा देखने का, सूंघने का, खाने का, हर चीज़ का, तो आपका सेंस ऊपर, उसको सेंस को संस्कृत में गो बोलते हैं, गो गो, तो गो वर्धन हो जाएगा, गो का वर्धन, सेंस वर्धन। तो मतलब तो अब तो गोवर्धन में, तो अब लोग गोवर्धन में लोग ऐसे वहाँ पे घूम रहे हैं, कुछ कुछ कर रहे हैं उस दिन, मगर उससे कोई गोवर्धन नहीं हो रहा है। हमको रियल गोवर्धन चाहिए। सेंस जो आजकल कॉमन सेंस है वो तो बिल्कुल खत्म हो चुका है, क्योंकि लोग प्रकृति से बिल्कुल हट चुके हैं। जब आप प्रकृति से हट जाएंगे तो आपका कॉमन सेंस फर्स्ट चीज़ जो आपकी गायब हो जाएगी। अच्छा, तो वो आपको लानी पड़ेगी वापस। उसके बाद फिर आप और स्टेप्स लेंगे। जो अध्यात्म, रियल अध्यात्म बिना प्रकृति से जुड़े नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि आप प्रकृति से जुड़े नहीं हुए हैं, आप एसी में बैठे हुए हैं पूरे दिन और आप अध्यात्म कर रहे हैं, ये पॉसिबल नहीं है। और जब ये बात एक बार में समझ में आ जाएगी तो फिर बाकी सारी चीज़ें अपने आप समझ आएगी। जो आपने बुक में लिखा है कि वेदों का सार है, तो वैदिक ज्ञान इसमें जो है वो एग्जैक्टली क्या है, वो कैन यू इलैबोरेट? तो जो वैदिक ज्ञान है वो आपके लाइफ का है। आपका ज्ञान क्या मतलब होता है? आपकी जो लाइफ है, आपकी एग्जिस्टेंस है, आपको क्या करना है, आपको मैं क्या कर्म करूँ, मैं क्या एक्शन करूँ जिससे मुझे एवोल्यूशन हो, जिससे मुझे फायदा हो, जिससे मेरी हैप्पीनेस बढ़े, जिससे मेरी ब्लिस बढ़े। तो वेदों का सार तो वही है, वो चाहते हैं कि हर जीव ऊपर उठे अपने कर्मों से। ठीक है, हर जीव अपने कर्मों से ऊपर उठे, तो वही नॉलेज है। उससे ज़्यादा तो मतलब और कुछ हो नहीं सकता। तो यही सबसे इम्पोर्टेंट बात है इसको। तो हमारे ऋषि मुनि थे जो भी, जितने पहले थे, वो भी यही अपने लिए करते थे। तो उनके एग्जाम्पल से लोगों को सीख करके अपने लिए करना है। ठीक है, तो वही इस बुक का मेन कोर है। मैं आपको ये पूछना चाहती हूँ कि ये जो बुक है इसमें आपने बोला है कि ओमकार तत्व के बारे में आपने बोला, तो वो क्या कहेंगे? जैसे ओमकार जो आपने, जो अब सिंबल है जो हमारा, जो उसको अब लोग ओम बोलना शुरू कर दिया है, मगर ऋषि मुनि के टाइम पे वो साउंड ओम नहीं था। उसका जो पूरा साउंड है मैंने अभी दिया था, मैं अभी आपको दे सकता हूँ आपके व्यूअर्स के लिए एक बार, जो ओमकार का जो साउंड है वो ऐसे है। ठीक है, तो AEIOU, तो ये फुल साउंड है उसका, ये रियल साउंड है। अब लोग इतने दिनों से ओम ओम कर रहे हैं, इसका ये पूरा फुल साउंड नहीं है। तो अब ये जो बेसिक्स हैं जो साउंड की, वो लोगों को क्लियर होनी पड़ेंगी। वो धीरे धीरे होगा, उसके बाद लोगों को समझ में आएगी कि अगर वो रूट क्रिएशन का साउंड है तो उसमें तो सारे वावल्स आने चाहिए, खाली एक ओ क्यों आएगा? क्योंकि आ ई उ ए ऐ ओ औ सारे आने चाहिए, AEIOU सारे आने चाहिए ना उसमें से। वो तो पूरा क्रिएशन का रूट साउंड है, तो उसमें से ऐसा कैसे हो सकता है कि खाली आपका ओ साउंड ही आएगा? तो उसमें कोई लॉजिक नहीं है। तो ये जो बेसिक लॉजिक है, ये कॉमन सेंस है, ये आना ज़रूरी है वापस लोगों में। तो इस साउंड का महत्व है, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि लोग अभी ये साउंड करना शुरू कर दें। मेरे हिसाब से लोगों को पहले बेसिक से स्टार्ट करना है, खाली आ करें वही बहुत है। ठीक है, ठीक है, अपना माउथ ओपन करना है, सेंटरिंग करनी है, अपना जॉ खोलना है, ये सब चीज़ें जो कि पहले गुरुकुल्स में, ऋषिकुल्स में सिखाई जाती थी, वो अभी स्कूलों में नहीं सिखाई जाती हैं। संस्कृत वेदास के टाइम पे, हाँ, उस टाइम पे सिखाई जाती थी, आजकल के स्कूल सिस्टम में नहीं है। तो उससे लोगों का डिक्शन नहीं है लोगों के पास, और जब डिक्शन नहीं होता है तो उसके बाद क्या होता है इंग्लिश में? अडिक्शन। जब आप पे डिक्शन नहीं होता है तो आपके पास अडिक्शन होता है, फिर अडिक्शन पे लोग, इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं लोगों को अडिक्शन की पूरी दुनिया में, वो इसलिए हैं कि लोगों के पास अडिक्शन नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो मैंने बुक में इसमें दी हैं, ये जो डिक्शन अडिक्शन भी मैंने बात जो बोली आप, वो भी इस बुक में है। और मुझे आपसे ये पूछना था कि जो
पीस गीता है जो आपके बुक का नाम है, तो ये भगवत गीता पे आधारित है या? अब ऐसा है, जो वर्ड गीता है वो गीत है, वो गीत शब्द से, गीत का मतलब क्या होता है? सॉन्ग, आपका गाना, ठीक है। तो जब कृष्ण ने अर्जुन को जो बोला था, जो भी बोला था, वो एक गाने के रूप में बोला था, क्योंकि उस टाइम पे वो लोग गा गा के बातें करते थे, मतलब हर बात एक तरीके से एक सॉन्ग होता था। अच्छा। जैसे आजकल रैप होता है। अच्छा। ठीक है, तो उस टाइम पे सॉन्ग की तरह बात होती थी। तो अब उस टाइम की वो बात थी, ये मेरी आज की बात है, आज के लोगों के लिए, आज के टाइम के लिए, तो ये मेरा गाना है। अच्छा। आज के लोगों के लिए, तो इसका उस गाने से मतलब कोई डायरेक्टली लेना देना नहीं है, मगर जो प्योर प्रिंसिपल्स हैं कुछ, जैसे गुरु कर्म के, और वो प्योर प्रिंसिपल्स तो हमेशा सेम ही रहते हैं, वो करोड़ों साल पहले भी सेम थे, आज भी सेम है, करोड़ों साल बाद भी सेम रहेंगे, मगर ये आज की सिचुएशन के लिए, आज के लोगों के लिए, तब ये स्क्रिप्चर्स फॉर द नाउ है, आज के लिए, मतलब मेरा गाना बस, इसका उसे कोई डायरेक्ट, ये कोई उसका अनुवाद नहीं है। और ये जो बुक है, इसकी प्रस्तावना क्या है? इसकी प्रस्तावना ये है कि अगर आपको अपनी लाइफ बेटर करनी है, अपने अपने आप को अपना ऊपर उठाना है अपने आप को, तो आपको कहीं ना कहीं स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ये बुक उसका स्टार्टिंग पॉइंट है। थैंक यू सो मच प्रशांत सर। आयुष्यामध्ये आपल्याला अनेक दुःख येतात, सुख येतात, आपण कधी पडतो, झडतो, कधी त्यातून उठतो आणि नव्याने सुरुवात करतो। आयुष्यामध्ये चढ उतार हे येत असतात, पण सकारात्मक त्यांनी आयुष्य कसं जगावं आणि आयुष्याचा आनंद कसा लुटावा आणि आयुष्यामध्ये पैशाच्या मागे न धावता, पैसा हे अंतिम गोल नसताना, समाधान कुठे आहे, माणसांनी समाधान कुठे शोधलं पाहिजे, कसं शोधावं, हे ह्या पुस्तकातून आपल्याला कळतं। पीस गीता या पुस्तकामध्ये हेच सार मांडलेलं आहे। कॅमेरामन पियुष बागडे यांच्यासह तन्मयी मंडळे, दिनमान न्यूज, पुणे।